हमें अनजान चीज़ों से दूर रहने को सिखाया जाता है, लेकिन हम इंसानों का नेचर ही कुछ ऐसा है जिससे हम उन चीज़ों के लिए ज़्यादा क्यूरियस होते हैं जिसके बारे में हमें नॉलेज नहीं। ऐसा करने से हमने ऐसे ऐसे इन्वेंशन कर लिए जिसके बारे में शायद 100 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। इसी क्यूरियोसिटी की वजह से आज हम इतने डेवलप्ड हो गए। लेकिन हर बार अननोन चीज़ों के लिए क्यूरियस होने से प्रॉफिट ही हो, ऐसा नहीं है। आप इस वीडियो में 1987 में हुए एक ऐसे इंसिडेंट के बारे में जानोगे जिसमें दो लोगों ने एक अनजान चीज़ से प्रॉफिट का सोचा, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि कई लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा, कई लोगों को सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स हुई, कई की जान गई और कई लोग एक लड़की के फ्यूनरल के अगेंस्ट चले गए। लेकिन क्यों, आखिर ऐसा क्या हुआ? गुयानिया ब्राज़ील के गोयास स्टेट की कैपिटल सिटी है। इसे पता था कि ये सिटी दुनिया के सबसे वर्स्ट न्यूक्लियर डिजास्टर में से एक की जगह बनने वाली है। दो लोग जिन्हें हम कह सकते हैं कि वो यूज्ड आइटम्स को बेचने वाले थे, उन्हें एक जगह मिली जहाँ से वो लोग कुछ यूज्ड आइटम्स को बेचकर पैसे कमा सकते थे। इस बार वो जगह और कुछ नहीं बल्कि एक अबैंडन्ड हॉस्पिटल था। बाकी हॉस्पिटल्स के तरह ही जब ये हॉस्पिटल रन कर रहा था तब इसमें एक रेडियोथेरेपी डिपार्टमेंट था। पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल को एक रेडिएशन के सोर्स की जरूरत पड़ती थी। यहाँ पर एक कैनिस्टर था जिसे आप एक डिब्बा कह सकती हो और वह कुछ ऐसा दिखता होगा। ये कैनिस्टर स्टील और लीड का बना था। वो दो लोग रॉबर्टो डोस सैंटोस एलवीएस और वैगनर मोटा पेरीरा उस अबैंडन्ड रेडियोथेरेपी डिपार्टमेंट में कुछ इस तरह गए जिससे किसी को शक नहीं हुआ, जहाँ उन्हें वो कैनिस्टर मिला। इन दोनों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस कैनिस्टर के अंदर एक कैप्सूल है जिसने 93 ग्राम डेडली सीजियम क्लोराइड कंटेन कर रखा है। आपको बता दूं कि इसका यूज कैंसर सेल्स को क्लीन करने में किया जाता है। थेरेपी के दौरान इसका काफी कम अमाउंट यूज किया जाता है। कई लोगों की जान तो सिर्फ इसी वजह से चली गई क्योंकि उन्हें इस चीज से थोड़ा ज्यादा एक्सपोज कर दिया गया था। इस कैनिस्टर का यूज एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी के लिए किया जाता था, जिसमें बॉडी के सर्टिन हिस्से पर बीम पॉइंट कर कैंसर के सेल्स को मारा जाता था। रॉबर्टो और वैगनर को इस थेरेपी का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। उन्हें लग रहा था कि उन्हें कुछ ऐसी चीज मिल गई है जिसे वो बेच सकते हैं। दोनों ने कुछ और सामान के साथ कैनिस्टर को भी लूट किया और रॉबर्टो के घर की ओर निकलने लगे। घर पहुंचकर उन्होंने कैनिस्टर को खोलने की कोशिश की। उन्हें लग रहा था कि इसके अंदर काफी महंगी चीज है। अभी ट्राई करने के बाद भी कैनिस्टर नहीं खुल सका। रात होते होते उन दोनों की बॉडी थोड़ी येलो होने लगी। फिर भी वो कैनिस्टर खोलने की कोशिश करते रहे। अगले दिन वैगनर को चक्कर आने लगे और उसे डायरिया हो गया। उस टाइम के बाद उसके लेफ्ट हैंड में काफी सूजन आ गई। ऐसा लग रहा था कि उसने बॉक्सिंग ग्लव पहन रखा है। हॉस्पिटल जाने के बाद ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर्स को उसकी उंगलियां काटनी पड़ी। फिर भी उसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उसके फिंगर्स के लॉस के लिए वो कैनिस्टर जिम्मेदार है। डॉक्टर्स ने उसे बताया कि यह सब की वजह खतरनाक फूड पॉइजनिंग है। जब उसने फूड पॉइजनिंग के केस के बारे में अपने दोस्त रॉबर्टो को बताया तो रॉबर्टो को अपने फ्रेंड जिसने अपने फिंगर्स खो दी उसके लिए थोड़ा अफसोस हुआ। अभी रॉबर्टो उस कैनिस्टर को खोलने की कोशिश कर रहा था। उस टाइम के बाद फाइनली कैनिस्टर खुल ही गया और उसने उसमें रखा सीजियम कैप्सूल अपने हाथ में लिया। कैप्सूल के अंदर ब्लू पाउडर था जो चमक रहा था। उसने सोचा कि शायद ये एक विस्फोटक है क्योंकि जिस तरह ये कैनिस्टर में बंद था उससे तो मानो ऐसा ही लग रहा था। रॉबर्टो ने पाउडर को जलाने की कोशिश की बट कुछ भी नहीं हुआ। उसने सोचा कि ये तो बस एक मामूली सा पाउडर है जो कि उसके किसी काम का नहीं है, इसलिए उसने इस पाउडर को लेकर दूसरे स्क्रिप्ट यार्ड के मालिक डिवियर एलवियस फरीरा को बेच दिया। फरीरा डिवियर अपने स्क्रिप्ट यार्ड में टहल रहा था तब उसकी नज़र उस कैनिस्टर पर गई। उस अंधेरे स्क्रिप्ट यार्ड में कैनिस्टर से डरावनी ब्लू कलर की रोशनी निकल रही थी जिसको उसने आज ही खरीदा था। उसने कैनिस्टर को हाथों में लिया और सोचा कि ये कोई एक सुपरनैचुरल चीज है। उसने स्क्रिप्ट यार्ड में काम कर रहे दो लोगों को बुलाकर उस कैप्सूल में से ब्लू चीज को निकलवाया। आगे चलकर आपको पता चलेगा कि बेचारे उन दोनों के साथ क्या हुआ। डिवियर उस कैप्सूल के साथ ग्लोइंग पाउडर को लेकर अपने घर पहुंचा। अगले दिन उसने ग्लोइंग पाउडर को दिखाने के लिए अपने दोस्तों को बुलाया। उन्हें यह पाउडर काफी पसंद आया और कुछ तो इसे अपने साथ भी ले गए। उसी दौरान डिवियर की वाइफ को काफी अजीब फीलिंग हो रही थी। डिवियर ने सोचा कि अब इस पाउडर को उसे कुछ काम नहीं है, इसलिए उसमें से कुछ उसने अपने भाई ईवो को बेच दिया और उनमें से कुछ पाउडर एक दूसरे स्क्रिप्ट यार्ड के मालिक को। डिवियर के भाई ईवो ने उस खतरनाक पाउडर को अपने घर लाकर किचन फ्लोर पर फैला दिया। इसी टाइम उसकी 6 साल की बेटी लेट डास नेवेस परीरा ने एक्साइटमेंट में उस पाउडर को अपने चारों ओर फेंका और अपनी बॉडी से भी लगा लिया। आप ही सोचो, जिस चीज को सिर्फ हाथ में लेने से वैगनर ने अपनी उंगलियां खो दी उसी चीज को एक छोटी सी लड़की ने अपने बॉडी पर लगा लिया तब उसका क्या हाल होगा। इतना ही नहीं बल्कि उस बेचारी ने पाउडर को अपने सैंडविच में डाला और खा भी लिया। यह सोचकर ये तो हार्मलेस है, ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। डिवियर के दोस्त ने उस पाउडर को अपने हाथों से चेस्ट पर लगा लिया। अब तो उसकी फिंगर्स बचने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं थे। डिवियर की वाइफ को तो शुरुआत में ही बड़ी अजीब सी फीलिंग हो रही थी।
उसने सोचा कि जो भी इस पाउडर के कॉन्टेक्ट में आ रहा है वो तो बीमार ही पड़ जा रहा है। तभी उसने पाउडर और कैप्सूल को एक प्लास्टिक के बैग में लिए लोकल हॉस्पिटल की ओर दौड़ पड़ी। फिर वहाँ एक फिजिसिस्ट को बुलाया गया ताकि रेडिएशन का पता चल सके। उसने अपने इंस्ट्रूमेंट में देखा कि वहाँ पर काफी डेंजरस लेवल्स में रेडिएशन इमिट्स हो रहे हैं। यहीं से वहाँ नेशनल डिजास्टर को पहचाना गया। ये खबर पूरे देश में फैल गई। लोकल और नेशनल गवर्नमेंट के साथ एक्सपर्ट्स को बुलाया गया। स्क्रिप्ट चार्ट को सील कर दिया गया। 130,000 लोग डॉक्टर्स के पास चेकअप कराने गए क्योंकि उन्हें डर था कि वो भी पाउडर के कांटेक्ट में आ चुके हैं। हालांकि सिर्फ 250 लोग ही खतरनाक रेडिएशन का शिकार हुए थे, जिसमें से बस 20 लोग काफी बुरी तरह से बीमार पड़ गए थे। क्लीनअप ऑपरेशन के दौरान रेडिएशन एक्सपर्ट्स ने पाया कि जिस जिस जगह वो पाउडर गया है वहाँ काफी हाई लेवल का रेडिएशन था, इस वजह से उन घरों को गिरा दिया गया और जंक यार्ड को सील कर दिया गया। जंक यार्ड के पास 42 घरों को गिरा दिया गया। रिजल्ट ये हुआ कि वहाँ के रह रहे लोगों को घर छोड़ना पड़ा। बट वेट, इससे पहले कि उन्हें पता चलता है रेडिएशन उनके व्हीकल्स के थ्रू और आगे पहुँच चुका था। 14 कार्स को डिकंटामिनेट के बाद रिस्क ना लेकर डिस्ट्रॉय कर दिया गया और ऐसे ही कुछ 3 बसों के साथ भी किया गया। मेन प्रॉब्लम ये थी कि कुछ लोगों ने लिटरली अपनी बॉडी को उस पाउडर से कवर कर लिया था और बेचारी उस लड़की ने तो उसे खा तक लिया था। वो तो बची नहीं सकी, लेकिन बाद में लोग उसके फ्यूनरल के अगेंस्ट चले गए क्योंकि ऐसा करने से वो मानते थे कि रेडिएशन सॉइल में फैल जाएगा। लड़की की डेड बॉडी को केस में बंद कर दिया गया ताकि मिट्टी में रेडिएशन ना फैले, बट वहाँ के लोगों को फिर भी डर था। ड्रैगर ने अपनी फिंगर्स खोई दी थी और मैंने आपको बताया था कि रॉबर्टो ने उस कैप्सूल को अपने हाथ में ले लिया था, इस वजह से उसे अपना एक हाथ खोना पड़ा। फिर भी उन्होंने उस रेडिएशन को सर्वाइव कर लिया, लेकिन उसके बाद वहाँ के लोग उन्हें इडियट्स और किलर्स बुलाने लगे। ना तो कोई उनसे मिलना चाहता था, बल्कि उनसे कोई बात तक नहीं करना चाहता था। ड्रैगर निराश हो गया और ड्रिंक करना स्टार्ट कर दिया। कम उम्र में ही सिरोसिस की वजह से उसकी मौत हो गई। रॉबर्टो भी काफी डिप्रेशन में चला गया, वह बीमार पड़ गया और उसकी भी कम उम्र में ही मौत हो गई। डिवियर के घर विजिट कर जो लोग पाउडर अपने साथ ले गए थे उन्होंने भी अपनी फिंगर्स खो दी। डिवियर के 2 वर्कर्स जिन्होंने कैप्सूल में से सीजियम क्लोराइड निकाला था, एक की मौत 18 और दूसरे की 22 ईयर्स में इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से हो गई। डिवियर की बात करें वो तो सही सलामत रहे, लेकिन उनकी वाइफ ने बाल खो दिए और फिर कुछ टाइम के बाद वो भी इंटरनल ब्लीडिंग का शिकार हो गई। करीब 1 महीने के बाद तक भी उनके माइंड और बॉडी पर रेडिएशन का बहुत बुरा असर था, जिस वजह से उनकी भी मौत हो गई। भयानक इंसिडेंट के 20 साल के बाद रिपोर्ट आई कि अब रेडिएशन गोयानिया में नहीं है। लोगों ने रेडिएशन के डर से वहाँ आना छोड़ दिया था। जो प्रोडक्ट्स वहाँ बनते थे लोग उनका यूज नहीं करते थे, ये सोचकर कि ये भी कंटामिनेटेड है।